नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म यानी कि किसी का भाई किसी की जान को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। सलमान खान, पूजा हेगड़े और वेंकटेश दुग्गुपति स्टारर ये फिल्म इसी साल 21 अप्रैल को रिलीज होगी। बीते दिनों फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था जो फैंस को काफी पसंद आया। किसी का भाई किसी की जान फिल्म के जरिए शहनाज गिल और श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही हैं। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पलक तिवारी ने सलमान खान को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, सिद्धार्थ कन्नन को दिए गए एक इंटरव्यू में पलक तिवारी ने बताया कि सलमान खान का उनके सेट पर काम करने वाली महिलाओं के लिए एक बहुत अलग सा नियम है। पलक ने बताया, मैं सलमान खान की फिल्म अंतिम में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि सलमान सर के बारे में ये बात ज्यादा लोगों को पता है, लेकिन उनका एक नियम था कि मेरे सेट पर हर लड़की की नेक लाइन होनी चाहिए। सारी लड़कियां एक अच्छी लड़की की तरह पूरी तरह से ढकी हुई होनी चाहिए। पलक ने बताया कि जब मेरी मॉम ने मुझे पूरे कपड़ों में काम पर जाते हुए देखा तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रही हो और तुम इतने अच्छे से तैयार क्यों हुई हो। तो मैंने बताया कि मैं सलमान खान सर के सेट पर जा रही हूँ और तो उन्होंने कहा था, वाह बहुत अच्छे। पलक से जब पूछा गया कि सलमान खान ने महिलाओं के लिए ऐसे रूल क्यों बनाए तो उन्होंने कहा, वह एक परंपरावादी शख्स हैं। वैसे तो वह कहते हैं कि जो पहनना है वह पहनो, लेकिन वह ये भी कहते हैं कि मेरी लड़कियां हमेशा सुरक्षित रहनी चाहिए। अगर आसपास पुरुष हैं जिनसे लड़कियां व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हैं तो सलमान का कहना है कि यह उनका व्यक्तिगत स्थान नहीं है और यहाँ वह हर किसी पर भरोसा नहीं करते। वह कहते हैं लड़की को हमेशा सुरक्षित रहना ही चाहिए। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।